लोग मुझसे कहते हैं कि सर जोखिम नहीं उठाना, मुझे एक ऐसी स्कीम बता दो कि भाई जहां मेरी लाइफ भी सिक्योर रहे, मुझे जोखिम ना उठाना पड़े। तो भाई ऐसे लोगों के लिए सो काफी लोग कहते हैं कि सर जिंदगी के कोई भरोसा नहीं है और हम लगातार तो हर दिन पैसों के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं रहता। तो क्या ऐसी कोई स्कीम है जहां पास हमारी लाइफ का इंश्योरेंस भी रहे, हमारी लाइफ सिक्योर रहे, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा रिटर्न मिलता रहे। तो काफी लोग बोलते हैं कि सर हमें इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने में मजा आता है जहां रिस्क होता है। तो आज की वीडियो में दोनों के बारे में बात करेंगे। काफी क्वेश्चंस मेरे पास आए थे कि सर LIC के बारे में बहुत जानते हैं हम लोग, इसके बेनिफिट्स, इसके क्या फायदे क्या नुकसान और अपना म्यूचुअल फंड दोनों के बारे में बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, काफी लोग के फोन मेरे पास आए, उनका कहना था कि सर 45 साल जिनकी ऊपर रहती है ना LIC बहुत पुरानी है, सब जानते हैं, क्योंकि यहां ना कहते हैं ना जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो LIC के जो वर्ड्स हैं रियल में उन्होंने पूरा किया है। कुछ कमी रही है, कुछ फायदे रहे हैं, दोनों के बारे में बात करूंगा आपके। तो वीडियो बने रहना, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें आपके पैसों की बात छिपी हुई है। देखो अगर बात करते हैं म्यूचुअल फंड और LIC की, दोनों के कंसेप्ट अलग अलग हैं। देखो यार म्यूचुअल फंड में जहां पूरा का पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, मैं हमेशा बात करता रहता हूं जोखिम उठाने की। काफी लोग मुझसे कहते हैं कि सर जोखिम नहीं उठाना, मुझे एक ऐसी स्कीम बता दो कि भाई जहां मेरी लाइफ भी सिक्योर रहे, मुझे जोखिम ना उठाना पड़े। तो भाई ऐसे लोगों के लिए आप LIC का प्लान ले सकते हो। सबकी लाइफ की अलग अलग रिस्क होती है। कुछ लोग कहते हैं भाई मैं रिस्क ले सकता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं जोखिम उठा सकता हूं, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उठा सकता हूं, भले मार्केट नीचे जाए, 10% मार्केट नीचे गिर जाए, 5% गिर जाए, मुझे टेंशन नहीं रहता। ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है। अब पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि क्या कहती है दोनों की नीति, क्या कहते हैं दोनों की चीजें, दोनों में से प्रो क्या है कॉन्स, क्योंकि देखो पॉजिटिव की बातें तो मैं भी करता हूं, लेकिन आज की वीडियो में थोड़ा दोनों के बारे में बात करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है ना। देखो अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, ये प्योर इन्वेस्टमेंट है यार, यहां आपको कोई रिस्क कवर नहीं मिलता, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कभी कुछ हो जाए किसी को, आपकी फैमिली में नॉमिनी अगर जो इन्वेस्टर है जो पैसा लगातार डाल रहा है अगर उसको कुछ हो जाए ना, तो म्यूचुअल फंड में कुछ मिलता नहीं है। जब तक आपने इन्वेस्ट कर दिया है, सपोज आपने मान लो जो इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया है 2 लाख रुपए, आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिख रही है, आपको वही मिलता है अगर नॉमिनी का नाम डाला होगा तो। लेकिन यहां LIC में क्या होता है, आपका इंश्योरेंस भी कवर होता है, इंश्योरेंस भी कवर होगा, इन्वेस्टमेंट भी कवर होगा, दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। देखो बात इंपॉर्टेंट है कि ये रिस्क फ्री है, यहां रिस्क नहीं होता कोई, गवर्नमेंट की तरफ से एक फिक्स रिटर्न 6-7%। खासकर ये वीडियो उनके लिए भी है जो हमेशा ना बोलते रहते हैं कि मार्केट से मुझे डर लगता है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना है क्योंकि उनके पास बाकी चीजें तो बढ़िया है, वो चाहते हैं कि भाई मुझे थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट 5-6%, 7% मुझे मिलता रहे और मेरी लाइफ सिक्योर रहे, कुछ हो मेरे पीछे, अगर मेरे जाने के बाद कुछ मगर कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को आराम से सिक्योरिटी मिल जाए पैसों के रूप में। तो चलो यहां इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट दोनों हो सकता है, पहली बात। सेकंड चीज है, देखो यार ये म्यूचुअल फंड उनके लिए है, मैं हमेशा वीडियोस बताता रहता हूं कि आप यंग हो, आप चाहते हो इन्वेस्टमेंट करना, रिस्क ले सकते हो, जोखिम उठा सकते हो, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट आपको करना ही करना चाहिए अगर आप रिस्क टेकिंग उठा सकते हो। यहां रिस्क फ्री है, जिनको बिल्कुल भी मन नहीं होता भाई मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे एक फिक्स नॉर्मल सी 6-7% जो मुझे मिलता है वो मुझे मिले, है ना, और साथ ही साथ इंश्योरेंस मिले, तो उनके लिए LIC बहुत अच्छा है। यहां म्यूचुअल फंड में क्या होता है, रिटर्न वेरीज होते हैं, कभी रिटर्न ऊपर हो गए कभी नहीं, हमने कोविड में देखा था हमारे रिटर्न बहुत निगेटिव हो गए थे, लेकिन अभी म्यूचुअल फंड में रिटर्न सबके बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये होता है वेरीज होता है, LIC में फिक्स होता है, जस्ट लाइक FD हो गया, RD हो गया, आपका PPF हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, इन सब की तरह यहां फिक्स होता है क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना एक रेट फिक्स कर दिया है। क्योंकि मैक्सिमम पैसे कहां लगते हैं LIC में, आप बोलते होगे कि सर ठीक है LIC में इन्वेस्ट कर रहा हूं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मेरे पैसे कहां लगते हैं, इस पॉइंट पे हम बाद में आते हैं। उसके पहले देख लो कि देखो यार म्यूचुअल फंड में आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट अमाउंट करते हैं नॉमिनी का नाम जरूर डाल देते हैं, तो म्यूचुअल फंड में जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो, जहां तक आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपको रिटर्न वहीं तक मिलता है। लेकिन अगर आप LIC में इन्वेस्ट कर रहे हो तो LIC में जब भी आप LIC करवाते हो
तो सिंस LIC एक गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट लगातार इसको प्रचार कर रही है, इनिशिएट कर रही है, तो एक फिक्स इनकम जो हो शुरू में दिखा देते हैं, एजेंट्स वगैरह दिखा देते हैं कि देखो यार अगर कुछ हो जाता है आपको तो आपको ये अमाउंट मिलना ही मिलना है। तो खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता है किसी को भी, तो आपको टोटल सम एश्योर जो अमाउंट दिखाया जाता है कि आपको इतना अमाउंट मिलना है 67% कैलकुलेट करके, वो डायरेक्ट नॉमिनी को मिल जाता है बिना सोचे समझे। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि आपको रिटर्न नहीं मिलता रहे, 67% रिटर्न भी आपको मिलता रहे, और आपकी जिंदगी, अगर आपके जो इन्वेस्टर हैं उनको कुछ हो जाता है तो उनके जाने के बाद भी सरकार उतना पैसे दे दे परिवार को, तो जिंदगी आगे चलती रहे, जिंदगी का पहिया थमे ना। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के मन में आता है कि सर आपने तो बता दिया म्यूचुअल फंड में, आपने बताया कि हमारे पैसे कहाँ इन्वेस्ट होते हैं म्यूचुअल फंड में, आपको पता है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं कहाँ, आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। आपका पैसा शेयर मार्केट में कंप्लीट पूरा का पूरा पैसा अगर आप इक्विटी मार्केट में जाते हो, देखो अगर आप डेट में जाते हो डेट म्यूचुअल फंड लेते हो तो आधा पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाता है, आधा पैसा कहां जाता है बैंक्स में जाता है। अब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड के इक्विटी में, मैं स्मॉल कैप मिड कैप की बात करूंगा, मैक्सिमम पैसे आपके शेयर मार्केट में जाते हैं 97-98%। कभी म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग देखना, आप म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग देखोगे आपको दिखेगा कि आपके मैक्सिमम पैसे किस सेक्टर में जा रहे हैं, बहुत सारे वीडियो मैंने दिखाया है। तो देखो अगर मार्केट में ज्यादा पैसे जा रहे हैं जोखिम तो रहेगा, रिस्क भी रहेगा, रिटर्न मिलने की चांसेस बहुत रहे, मिलते भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप LIC में इन्वेस्ट कर रहे हो तो LIC में 50% पैसा गवर्नमेंट स्कीम में जाता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाता है, 50% पैसा सरकार अपने अपने स्कीम चला रही है, उनको इनिशिएट कर रही है तो वहां पैसा लगाती है। इसीलिए तो अगर कुछ भी होता है तो सरकार वो आपको उतना रिटर्न तो देगी ही देगी, और अगर कुछ भी होता है इन्वेस्टर की डेथ होती है, LIC जो करवाते हैं, जो बंदा LIC की प्रीमियम भर रहा है, कभी उसकी डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, तो सरकार का ये दावा रहता है कि भाई जो पैसा जो मिलने वाला है फ्यूचर में पूरा जमा करने के बाद 20 साल बाद, सपोज आपने अगर 50 लाख आपको मिलने वाला है 40 लाख मिलने वाला है, तो सरकार की ये रहती है कि भाई मकसद रहता है कि ये मिलना ही मिलना है। क्यों? क्योंकि 50% हिस्सा LIC गवर्नमेंट स्कीम में लगा रही है, सेमी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हैं 30%। आप एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां कम होता है, क्योंकि 20% ही पैसा इक्विटी मार्केट में जा रहा है, केवल 20% पैसा इक्विटी मार्केट में जा रहा है। इसीलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के प्लस पॉइंट है निगेटिव पॉइंट है, दोनों के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो नीचे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है, आप आराम से उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। LIC के बारे में कोई अगर जानकारी लेना हो उसका कॉन्टेक्ट नंबर मैंने अलग दिया है, म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी दिया है तो वो तो मेरा नंबर है ही, तो आप आराम से 728 कॉल कर सकते हो। तो बेटर है, दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं, हम दोनों का कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग लोगों के लिए है। जो जोखिम उठा सकते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, जो यार बिल्कुल जोखिम नहीं उठाना चाहते, एक फिक्स रिटर्न पे चाहते हैं, उनको एक फिक्स रिटर्न मिलता रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक मिलता रहे, और भाई बिल्कुल जोखिम ना हो, तो उनके लिए LIC बहुत अच्छी है। आपकी क्या राय है जरूर मुझे बताना, और अगर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में, चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन अपने अपने राय आप जरूर मेंशन करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर, जय हिंद।